मौत ये ऐसी अटल हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। आप लाख इससे निगाहें चुरा लें, आप लाख दुनिया में गुम हो जाएं, लेकिन ये ऐसी तल्ख हकीकत है जिसका इनकार आप कर ही नहीं सकते। चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे आप अल्लाह पर ईमान रखते हो या ना रखते हो, चाहे आप आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हो या ना लाए हो, लेकिन मौत से आप इनकार नहीं कर सकते। मौत एक दिन आकर रहेगी, चाहे आप कहीं भी रहने वाले हों, आप शहरों के अंदर महलात में जिंदगी गुजारने वाले हों या गांव में झोपड़ी में रहने वाले हों, मौत आकर रहेगी। आप बहुत बड़े ताजिर और बिजनेसमैन हो, आपके पास खूब दौलत हो, तब भी आपको मौत आकर रहेगी। या आप किसान हो, मेहनत और मजदूरी करते हो, तब भी आपको मौत आकर रहेगी। और मरने के बाद दोनों का मकाम एक ही जगह होगा। अगर कोई महलात में जिंदगी गुजार रहा है, अगर कोई शख्स बड़ी बड़ी इमारतों में ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रहा है, मरने के बाद उसे भी कब्र में जाना है। और अगर कोई शख्स फुटपाथ पर सोता है, कोई शख्स जमीन पर सोता है, उसको भी मरने के बाद कब्र ही में जाना है। दुनिया में फर्क हो सकता है, एक अमीर शख्स अपने लिए एयर कंडीशन रूम, एयर कंडीशन का इंतजाम कर सकता है, एक बहुत ही बेहतरीन रूम और बहुत ही बेहतरीन इमारत तामीर कर सकता है कि जिसमें उसको हर तरह की सुविधा और हर तरह की फैसिलिटी मैसर हो, लेकिन मरने के बाद उसको भी उसी कब्र में जाना है जहां पर गरीब जाता है। वहां पर फर्क नहीं है। दुनिया में आप फर्क कर सकते हैं अमीर और गरीब के दरमियान, लेकिन मरने के बाद एक ही कब्र है और वही कब्र मिट्टी की बनी हुई है। अमीर को भी वहीं जाना है और गरीब को भी वहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि अमीर शख्स मरने के बाद जिस कब्र में जाएगा उसमें ऐसी लगी हुई होगी, उसमें उसकी खिदमत करने वाले गुलाम लगे हुए होंगे, और गरीब शख्स अगर कब्र में जाएगा तो उसको वहां गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि मरने के बाद जो कब्र आपको मिलेगी वो आपके आमाल के मुताबिक, जैसे आपने दुनिया में अमल किए होंगे उनके मुताबिक, वो या तो आपके लिए राहत का सबब बनेगी या आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। ये आपके आमाल पर डिपेंड करता है कि आपने इस दुनिया में रहकर उस कब्र के लिए तैयारी की है या नहीं। अगर आपने दुनिया में रहकर कब्र के लिए तैयारी की है, अगर आपने दुनिया में रहकर कब्र में सुकून हासिल करने के लिए तैयारी की है, तो इंशा अल्लाह कब्र में सुकून और राहत नसीब होगी। और अगर दुनिया में रहकर मौत के बाद वाले वक्त के लिए और कब्र के लिए कोई तैयारी नहीं की, तो फिर वहां पर अजाब से दो चार होना पड़ेगा। दुनियावी ऐशो आराम वहां का आप एक लम्हे में भूल जाएंगे। एक लम्हे में जो कब्र का अजाब मिलेगा, एक लम्हे में दुनिया की पूरी जिंदगी का ऐशो आराम भूल जाएंगे। लिहाजा अकलमंदी और दानिश्वरी इसमें है कि हम अपनी कब्र के लिए तैयारी करें, अपनी कब्र को राहत वाली कब्र बनाने के लिए हम तैयारी करें। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।